जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है स्केलेटन इन द क्लॉजेट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक प्रॉप म्यूजियम दिखाया जाता है, जिसे लैम्पिनी और उसकी गर्लफ्रेंड डैनियल चलाया करते थे। वो म्यूजियम बहुत दिनों से बंद था क्योंकि लैम्पिनी के पिता की मौत हो गई थी, और उसके बाद लैम्पिनी फिर से उस म्यूजियम को स्टार्ट कर रहा था। उस म्यूजियम में मूवीज के वो हर एक प्रॉप्स थे जो कि मूवीज में दिखाए गए थे, और वहां पे जो मूवीज में डेड बॉडीज इस्तेमाल करी जाती थी उनके स्केलेटन्स भी मौजूद थे, जो कि लोगों को बहुत ही आकर्षक लगता था और बहुत सारे लोग आते थे उसे देखने के लिए। रात को एक बंदा उनके म्यूजियम में आता है अपना एक प्रॉप बेचने के लिए, और वो उनसे कहता है कि ये बहुत ही फेमस मूवी का प्रॉप है, और वो प्रॉप एक बॉल थी जिसके ऊपर पैने चाकू लगे हुए थे, जिसे शायद उस मूवी में कातिल ने लोगों को मारा था। डैनियल उससे पूछती है कि क्या ये रियल है, तो बंदा उससे कहता है कि ये 100% ऑथेंटिक है। उसके बाद उससे पूछता है कि लैम्पिनी कहां पर है, तो डैनियल उसे बताती है कि वो अपने रूम में है और वहां पे वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि लैम्पिनी ने म्यूजियम स्टार्ट कर दिया है और वो रात रात तक काम करता है। उसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है, और उस म्यूजियम में दो लोग आते हैं जो कि उनके प्रॉप्स को टच करने लगते हैं। ये देखकर डैनियल उन्हें डांटती है और उनसे कहती है कि वो अलाउड नहीं है, और उसके बाद वो उन दोनों को वहां से भगा देती है। तभी लैम्पिनी वहां पर आता है और उन दोनों को रोक देता है, और उन्हें बताता है कि जिस लैम्प को वो छू रहे थे वो दरअसल एक ब्लैक मैजिक का लैम्प है, जिसे फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल सच्चा लैम्प है। उन्हें ये भी बताता है कि ये सारे प्रॉप्स अभी भी जिंदा हैं, और मूवी में अक्सर वही प्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हों। ऐसा माना जाता था कि इस लैम्प के अंदर अमृत उत्पन्न होता है और जो कोई उसे पीता है वो अमर हो जाता है। वो ने ये भी बताता है कि उसके पास जो भी पीसेस मौजूद हैं वो कोई कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल असली हैं और आर्टिस्ट ने उन्हें बनाया हुआ है। उन मॉडल्स के अंदर आत्मा भी है और दिल भी है, क्योंकि उसमें किसी की मेहनत लगी है उन्हें बनाने में। उसके बाद वो उन्हें फ्रेडी के नाखून दिखाता है और उनसे कहता है कि ये बिल्कुल असली है, और फिर वो उन्हें नॉर्मन बेट की माँ की स्केलेटन को दिखाता है, और उन्हें बताता है कि साइको फिल्म में जो स्केलेटन इस्तेमाल किया गया था वो सच में किसी लेडी का था, और उसके पिता ने साइको मूवी से वो खरीद लिया था और उन्होंने म्यूजियम में रख दिया था, और तब से ही ये स्केलेटन यहाँ पर मौजूद है। वो दोनों उसकी बात सुनके हैरान हो जाते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। उसके बाद लैम्पिनी ऑनलाइन जाके ऑक्शन कर रहा होता है कोई प्रॉप खरीदने के लिए, लेकिन वो उस ऑक्शन को हार जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उससे ज्यादा पैसे लेकर किसी और बंदे ने उसे खरीद लिया था। डैनियल उससे पूछती है कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि वो ओमेन मूवी का डेविड वार्नर का जो कटा हुआ सर था वो हार गया है। ये देखकर डैनियल उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, और उसके बाद वो उसे किस कर देती है, और फिर वो उससे कहती है कि उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पास कुछ मौजूद है। कुछ देर बाद लैम्पिनी उसे बताता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, और उसके पिता उसकी माँ को एक मास्टरपीस बुलाया करते थे। वो लोग हॉलीवुड के एक मैजिक कासल में काम किया करते थे, और वहीं पे उन दोनों की मुलाकात हुई और उन दोनों ने शादी कर ली। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो उसके पिता ने उसकी माँ को जिंदा करने का सोचा, और तब से ही उसके पिता को जादू आ गया कि कैसे प्रॉप्स को जिंदा किया जा सकता है। इस म्यूजियम में जो कोई भी प्रॉप्स हैं वो सभी जिंदा हैं, और जितने भी स्केलेटन उसे नजर आ रहे हैं वो सभी देख और सुन सकते हैं। अगले दिन उनकी शॉप में एक बूढ़ा आदमी आता है, और डैनियल उससे कहती है कि अब वो शॉप को क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि कल उनका प्रीमियर है और उनके म्यूजियम में कुछ नए प्रॉप्स आने वाले हैं, तो वो कल आके वहाँ पे एंजॉय कर सकता है। वो आदमी उससे कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही आया है, और वो उसे फुल प्राइस भी देता है उस एग्जीबिशन को देखने के लिए। वो वहाँ पे ढेर सारे प्रॉप्स देखता है और वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिलती जो उसे चाहिए थी। डैनियल उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो वो उससे कहता है कि उसके सारे प्रॉप्स नकली हैं, क्योंकि टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का जो एक्चुअल चेनसॉ है वो किसी और के पास है, और उसके पास सिर्फ फर्स्ट कॉपी मौजूद है। ये सुनकर डैनियल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे लैम्पिनी आ जाता है और उसे बताता है कि जो एक्चुअल चेनसॉ थी वो अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वो आदमी उसकी बात सुन के खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि वो इस म्यूजियम का मालिक है। उसके बाद वो आदमी उसे उस चेनसॉ की फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि उसके पास वो चेनसॉ मौजूद है, तो लैम्पिनी उससे कहता है कि वो उसे खरीदने के लिए तैयार है, तो बंदा उससे कहता है कि उसकी औकात नहीं है उसे खरीदने की। उसके बाद वो एक एक करके उसे ढेर सारे प्रॉप्स दिखाने लगते हैं, लेकिन वो आदमी फिर भी उनसे इम्प्रेस नहीं होता। तभी वो स्केलेटन सेक्शन में जाता है और देखता है कि वहां पे ढेर सारे मूवी स्केलेटन पड़े हैं जो कि सच में किसी के डेड बॉडी से निकाले गए थे। लैम्पिनी उससे पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या, तो वो उससे कहता है कि वो कोई लालची इंसान नहीं है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसे उसका एक स्केलेटन चाहिए, तो लैम्पिनी उससे कहता है कि ये प्रॉप्स उसकी फैमिली की तरह हैं और वो इनमें से किसी को भी बेचना नहीं चाहता। वो आदमी उससे कहता है कि दरअसल जो स्केलेटन यहाँ पे नजर आ रहा है वो उसके रिलेटिव का है और वो उसे प्रॉपर बरियल देना चाहता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इन मूवी वालों ने उसके स्केलेटन को निकाल लिया था और उसे यूज किया था, और तब से वो उसे प्रॉपर बरियल नहीं दे पाया है। ये सुनकर लैम्पिनी उससे कहता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं बेच सकता, लेकिन वो आदमी उनसे जबरदस्ती करने लगता है, इसीलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में डैनियल उसको चाकू मार देती है जिससे उस आदमी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ये देखकर लैम्पिनी उससे कहता है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, तो डैनियल उससे कहती है कि अगर वो पुलिस को कॉल करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे और कल जो उनका बड़ा सा एग्जीबिशन होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। लैम्पिनी उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो उसके पास एक और तरीका है बचने का। उसके पिता अक्सर डेड बॉडीज की स्केलेटन निकाल लिया करते थे और
से प्रॉप्स बना दिया करते थे और वो वही काम आज भी करेगा। उस आदमी की लाश को बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ पे उसकी चमड़ी पील करता है और कुछ देर बाद वो उसे स्केलेटन में तब्दील कर देता है। वो लोग उस एग्जीबिशन में उसे प्लेस कर देते हैं और उसे एक नकली प्रॉप बना देते हैं। डैनियल को वहाँ पे एक और स्केलेटन नजर आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर ये किसका स्केलेटन है। तो लैम्पिनी उससे कहता है कि ये उसके पिता का स्केलेटन है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत प्यार करता था और उनकी मौत के बाद वो सह नहीं पाया, इसीलिए उसने उसके पिता को स्केलेटन में तब्दील कर दिया। लेकिन जैसा उसे लगता है कि वो मुर्दा स्केलेटन है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पिता अभी जिंदा है और वो हमेशा उनसे बात करता रहता है। ये सुनकर डैनियल को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो नहाने के लिए चली जाती है। रात को उनका डिलीवरी मैन जब प्रॉप देने के लिए आता है तो उस आदमी का जो स्केलेटन बनाया गया था वो जिंदा हो जाता है और वो उसके डिलीवरी मैन को जान से मार डालता है। उसके बाद वो एक चाकू उठाता है और उसे लेकर वो बाथरूम में जाता है जहाँ पे वो डैनियल को स्टैब करके जान से मार डालता है। लैम्पिनी जब उसे चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो वहां पे पहुंचता है और उसकी बॉडी देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो स्केलेटन एक एक्स उठा के उसका पीछा करने लगता है और लैम्पिनी ये देखकर म्यूजियम में जाकर छुप जाता है। और स्केलेटन जब उसे मारने के लिए आता है तो उसका पिता का स्केलेटन भी जिंदा हो जाता है और वो उस आदमी के स्केलेटन को मार गिराता है जिससे वो मर जाता है और उसके पिता का स्केलेटन दोबारा से प्रॉप में जाके बैठ जाता है। लैम्पिनी ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसके पिता ने उसकी जान बचा ली थी। और अगले दिन वो एग्जीबिशन लगाता है जहाँ पे सभी लोग आते हैं और वहाँ पे ढेर सारे प्रॉप्स देखकर उन्हें काफी मजा आता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डैनियल का भी स्केलेटन लगा हुआ था जो कि अभी जिंदा था और वो स्केलेटन उसे किस करती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस एपिसोड की दूसरी कहानी का नाम है फेमिलियर। कहानी की शुरुआत में हमें जैक्सन और फोन नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं। जैक्सन एक लॉयर होता है जो कि फोन के साथ एक बार में आया हुआ था। जब वो दोनों बार से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने सामने एक साइकिक की दुकान नजर आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था बून थर्ड आई। फोन उससे कहती है कि क्यों ना वो अंदर जाए ताकि वो अपनी तकदीर जान सके, लेकिन जैक्सन उसे मना करता है तो वो जबरदस्ती उसे अंदर ले जाती है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहां पे उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब आती है, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने सामने बून नजर आता है जो कि उन्हें इन्वाइट करता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। वो उन दोनों का हाथ मांगता है और जब वो दोनों अपना हाथ उसे देते हैं तो वो उनसे कहता है कि उसे एक स्पिरिट की स्मेल आ रही है। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या बात कर रहा है। तो बून जैक्सन को चुपके से एक लेटर देता है और उसके बाद वो फोन से कहता है कि सब कुछ ठीक है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फोन उसे बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो स्कल्पचर बनाती है, तो वो उसे बताता है कि बहुत जल्द वो फेमस होने वाली है। जैक्सन वो लेटर देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और उसे पता नहीं था कि आखिर उस लेटर के अंदर क्या लिखा होगा। उसके बाद वो फोन को घर ले आता है और जब वो उसे गले लग रहा होता है तो अचानक उसके घर का दरवाजा अपने आप खुलता हुआ उसे नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसे लगता है कि शायद सच में कोई स्पिरिट उसके पीछे है। तभी उसका कुत्ता भी वहां पे भौंकने लगता है जिससे उसे लगता है कि शायद सच में वहां पे कोई स्पिरिट है। उसके बाद वो दोनों टीवी देखते हैं और फोन वहीं पर सो जाती है और जैक्सन जब उस शीट को खोलता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि कोई बुरी शक्ति उसका पीछा कर रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो कौन सी बुरी शक्ति है। और हम वहां पर उसकी दीवार पर एक डीमन को देख पाते हैं। जब वो उस डीमन की आवाज सुनता है तो वहां पर देखकर उसे डर जाता है और जब वो लाइट ऑन करता है तो वो डीमन वहां से गायब हो चुका था। इससे फोन की नींद खुल जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तो जैक्सन उसे कुछ भी नहीं बताता कि उसे पता था कि वो उस पर यकीन नहीं करेगी। अगले दिन जब जैक्सन अपने ऑफिस में होता है तो उसे कोई फैक्स भेजता है और जैक्सन ने देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस जमाने में फैक्स कौन इस्तेमाल करता है। जब वो पेपर बाहर निकलता है तो उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ था और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी टेबल और चेयर एक जगह पे खड़ी हुई है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और वहां पे फोन को टेक्स्ट करता है, लेकिन तभी अचानक वॉशरूम की लाइट बंद हो जाती है। तभी वो बाहर किसी डीमन की आवाज सुनता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वो डीमन वहां से भाग निकलता है। वो सोचता है कि आखिर वो क्या चीज है जो कि उसे हॉन्ट कर रही है और तभी हम उसके पीछे उस डीमन को देख पाते हैं। रात को वो फिर से फोन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पे वो उसे बताता है कि वो जिस आदमी के पास गए थे उसे लगता है कि शायद उसने किसी स्पिरिट को उसके पीछे भेज दिया है क्योंकि वो स्पिरिट उसे बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही है। फोन उससे कहती है कि ये उसका वहम है और कुछ भी नहीं, तो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे मिलने के बाद वो अकेले ही बून के पास जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पे उसे एक बुक मिलती है जिसमें फेमिलियर नाम के एक डीमन के बारे में लिखा हुआ था। जब वो उसकी फोटो देखता है तो उसे पता चलता है कि शायद यही डीमन उसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी बून वहां पर आता है और उससे कहता है कि उसका फेमिलियर उसके पीछे पड़ा है और वो उसे अपनी एक ताबीज देता है और उसे कहता है कि अगर फेमिलियर उसको पकड़ लेगा तो वो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा, इसीलिए उस फेमिलियर को उन्हें बंदी बनाना होगा। वो उसे एक बॉक्स देता है ताकि वो उस फेमिलियर को उसमें कैद कर सके और अपनी ताबीज से उससे कहता है कि वो उस बॉक्स के नीचे उस ताबीज को रख दे और जब फेमिलियर वहां पर आएगा तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो उस बॉक्स को हरगिज ना खोले। जैसे उसकी बात मान लेता है और अपने घर के ऊपर वो उस बॉक्स को प्लेस कर देता है और ठीक उसके नीचे उस ताबीज
काबीज को रख देता है। वो उस फेमिलियर के आने का इंतजार करने लगता है और तभी वो बक्सा नीचे गिर जाता है और उसे लगता है कि शायद वो फेमिलियर अब बंदी बन चुका है। तभी उसके अंदर से उसे अपने कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे उसे लगता है कि शायद उसका डॉग उसमें ट्रैप हो गया है। तभी उस बॉक्स को उठाता है लेकिन वो फेमिलियर उसके सामने आके उसे डरा देता है और वो उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है, यानी कि उस फेमिलियर ने उस कुत्ते की आवाज निकाली वहां से बाहर निकलने के लिए। अगली रात को फिर से वो ट्राई करता है लेकिन जब वो फेमिलियर इस बार ट्रैप होता है तो वो फोन की आवाज निकालने लगता है ताकि वो उसको खोल सके। जैकन उस बॉक्स को नहीं खोलता और उसे पानी में ले जाके डुबा देता है। जब वापस अपने घर आता है तो वो देखता है कि वो फेमिलियर उसके सामने मौजूद है और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि पानी में डूब के मर गई थी, यानी कि उस बॉक्स के अंदर फेमिलियर नहीं बल्कि सच में उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो फेमिलियर उसको पोजेस कर लेता है और उस पर हमला करवा देता है जिससे जैक्सन बहुत ज्यादा डर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सेकंड एपिसोड की दोनों कहानियां। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।